welcome to the next episode of Himachal Diaries. I hope आप अब तक मेरे साथ बने हुए होंगे and आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कहीं और नहीं मनाली and मॉल रोड. हम एक बार और वहाँ जा चुके हैं but क्योंकि छुटकी की जिद थी और हमें घूमना भी था तो हमें वहाँ जाना था. क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो एक जगह रहने का मन नहीं करता. मन करता है कि हम बस घूमते जाएं और उस जगह को एब्जॉर्ब करें और देखें और एक्सप्लोर करें. सो दैट्स व्हाट वी वर डूइंग एंड चलिए लेट्स हेड ऑन टू आवर न्यू डेस्टिनेशन बट नॉट सो न्यू डेस्टिनेशन. हाय गाइस, अभी हम मनाली में हैं मॉल रोड पे और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप बारिश. गाइस वैसे हम यहाँ एक बार आ चुके हैं, ये हमारा सेकंड टाइम है मनाली में. ओके चलो आप आगे चलो. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है ना यहाँ पे, और मम्मी मुझे समझा रही थी कि आराम से चलना, गिर मत जाना. आप सभी की मम्मी भी ऐसे ही समझाती हैं कि आपको छोटे बच्चे की तरह. वेल, ये सबसे अच्छी बात है. तो जब हम अंदर गए हमने काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स देखी, वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी. मैं सब चीज़ों को देख रही थी, सब चीज़ों को एक बार निहार रही थी कहते हैं ना. एंड आई वॉन्टेड टू टेक समथिंग फ्रॉम हियर जो कि एक मेमोरी की तरह काम करे. यहाँ पे सारा सामान बहुत महंगा है, मतलब हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए जो यहाँ की याद हो. कुछ भी ऐसे नहीं, बट यहाँ लोग कुछ भी ले लेते हैं. यहाँ पे नेम्स लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं. आइसक्रीम खाए पापा, ये वाला अच्छा है. म्यूजिक चलो आइसक्रीम खाते हैं. रुको जरा, सबर करो. तो काफ़ी देर से मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था और छुटकी का भी. तो हमारा नेक्स्ट और वही आने वाला है, चिंता मत कीजिए. और ये यहाँ पे जो अंकल आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये कुछ एग की डिश बना रहे थे अनियन काट कर. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि कुछ भी ओपन में मिले तो वो नहीं लेना चाहिए. ओके, एज अ बायो स्टूडेंट आई एम सजेस्टिंग यू दिस. चॉकलेट नहीं डालते इसमें, चॉकलेट फ्लेवर. चलो यही बना दो, लगवा लेना 60 का. ठीक है चॉकलेट लगा दो, फिर लगा दो चॉकलेट. तो क्योंकि छुटकी को चॉकलेट की लेयर वाली आइसक्रीम चाहिए थी तो हमने फिर उसमें वो लेयरिंग कराई. बट सच्ची बताऊँ उसका टेस्ट एकदम ऐसा था जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ. एंड जो हमारे साइड में गर्ल खड़ी हुई है वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी बट अंकल ने पहले हमें दी, तो उसको देख के लग रहा था वो काफ़ी परेशान हो गई है. और ये देखिए हमें बहुत हंसी आई. बहुत तेज हो रहा है. अब क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे तो समृद्ध भाई साहब कैसे बिना मांगे रहे, तो उसने भी जिद की कि पापा मुझे कुछ चाहिए. उसने पहले ही देख लिया था कि एक जगह वो विंटेज कार मिल रही है, तो वो उसको नोटिस करके आया था और बोलता है कि मुझे ये चाहिए. उसके बाद पापा उसको दिला के लाए. नेक्स्ट स्टॉप हमारा था किचन वाला, छुटकी ने वो किचन लिया. उसके बाद हमने डेकोरेशन का सामान लिया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. उसके बाद हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो पापा ने बोला कि हमें एक जगह बैठ जाना चाहिए. तो हम वहाँ ट्री के पास बैठे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ट्री था ये. पूरा व्यू शायद आपको ना दिखे. एंड उसके बाद हम छोटे से चाय ब्रेक के लिए रुके. गाइस अभी यहाँ हम छोटे से चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, आप प्लेस देख सकते हो. और मम्मी पापा वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ. मम्मी आप सिंपल चाय, हमें कुछ नहीं चाहिए. और गाइज आपको तो पता ही है कि देसी इंडियंस बिना चाय के कहाँ रहते हैं. और ये तो मेरे व्लॉग का ट्रेडिशन सा ही बन गया है कि बिना चाय के मेरे व्लॉग में शुरुआत और एंडिंग कुछ भी नहीं होती है. उसके बाद क्योंकि थकावट हो जाती है तो चाय एक तरह की रिलीफ देती है ना.
उसके बाद हमने कुछ गपशप की, कुछ बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। काफी देर तक यहाँ घूमने के बाद हम थके हुए एग्जॉस्टेड घर पहुंचे। हेलो, हाँ जी, ये सारी मुर्गियां बाहर निकल आई थी। आंटी ने इनको इतनी मुश्किल से संभाला, अंदर किया और इतनी ओबीडियंटली फॉलो भी कर रही थी सारे इंस्ट्रक्शंस को। एंड दे वर लुकिंग क्यूट। और ये देखिए, आंटी मुझे फिर अपने टेरेस पर लेके आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहली बात तो वहाँ रेलिंग्स नहीं थी। हमें बिना रेलिंग्स के ना सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत डर लगता है मुझे। बट जो व्यू था, इट वॉज सो 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 अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल दैट आई वॉन्टेड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ब्यूटी ओवर देयर। एंड आंटी को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, उनको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और मैं मतलब डर के मारे तो मेरी तो फुसकी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर भी ये वीडियो रिकॉर्ड की जस्ट फॉर यू ऑल। सो अभी खाना खाने का वक्त हो गया था, खाने की तैयारियाँ चल रही थी और इतना प्लीजिंग मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारे जेंट्स बातें कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्या लगता है आपको, क्या बातें हो रही होंगी? एंड नेक्स्ट साइड आप देख सकते हैं आंटी और मम्मी बात कर रहे थे, मम्मी आंटी के ट्रेडिशंस के बारे में, वहाँ की और रिचुअल्स के बारे में जानकारी ले रही थी। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी आंटी से कुछ दो चार वर्ड सीख लूँ ताकि मैं जाकर फ्लैक्स मार सकूँ कि मेरे को ये वर्ड्स आया है हिमाचल के। एंड उसके बाद मैंने सीखे भी और मैं यहाँ के वेदर का पूरा मज़ा ले रही थी। और दूसरे पॉइंट पर देखा जाए तो छुटकी को देख कर ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ठंड लग रही है। आज तेरे को मज़ा आया? चलो अच्छी बात है, मुझे आगे भाषा सीखनी है थोड़ी सी। जैसे नमस्ते को क्या कहते हैं? नमस्ते। अच्छा, और इसे मुझे अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा। बोलते ठीक लगा, मार को भी ठीक ही लगा। कुछ और बताओ, कोई अच्छा सा और वर्ड ताकि मैं सीखूं, मैं बताऊं वहाँ पे मैंने ये सीखा। पंजाबी भाषा भी है? नहीं। अच्छा, गढ़वाली भाषा है? नहीं, गढ़वाली पंजाबी नहीं, गढ़वाली। जैसे हम अब बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहे, तो बोलते हमारे कोखे चले, कोखे चले, कोखे चले। हाँ, कोखे चले, कहाँ चले गए? कोखे चले। अच्छा, जैसा फील हो रहा था कि मैं आंटी को परेशान और कंफ्यूज कर रही हूँ, बट आंटी इतनी ज़्यादा पोलाइट थी, इतनी हम्बल थी कि उन्होंने प्यार से सब कुछ बताया। और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में एक दो वर्ड मैंने सीखे जैसे कि आपने अभी देखा। उसके बाद हम फिर बात करने लगे कि आज आंटी खाने में क्या बनाए, और खाने में इतनी तरह तरह की डिशेज थी कि मेरे मुँह में तो पानी आ गया और मैं वेट नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। क्या बनाया खाने में बताओ। चलो आज क्या बनाया? भिंडी बनाई है, दाल बनाई है, दाल फुलके बनाए, चावल बनाए। अरे वाह, अरे वाह, मुँह में पानी आ गया। सब फिर से बैठ के खाना खाएंगे। डांस करो थोड़ा।
टेस्टी टेस्टी खाना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कांसे की प्लेट्स में खाना खाते हैं और यहाँ के लोगों की ये स्पेशलिटी है। अंकल बता रहे थे कि यहाँ कितने भी लोग आएँ, कभी भी आएँ, ये उन लोगों को खाना खिला सकते हैं और वो भी अपने यूटेंसिल्स में। सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट। ना दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, रोटियाँ तो मतलब इतनी सुंदर क्यूट लग रही थी, एकदम मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं रोटी खा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मैदे का कुछ पराठे खा रही हूँ। बहुत टेस्टी खाना था। मतलब पहला बाइट मुंह में रखते हैं ना, आहा क्या टेस्ट था, दीदी ने इतना अच्छा खाना बनाया था। और ये प्याज, इसकी खासियत तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो ये था आज के ब्लॉग के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।